आमतौर पर चुनाव के समय नेता या तो प्रचार के लिए ताबड़तोड़ यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं या फिर वे केवल उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो चुनाव में उनके लिए काम के हों। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव बनी प्रियंका गांधी का एक वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यह वीडियो कानपुर का है, जहाँ एयरपोर्ट पर अलग अलग रैलियों में जाने के दौरान दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिले। इतना ही नहीं, यहां दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दौरान राहुल गांधी मजाक मजाक में कहते नजर आए कि मैं दूर तक जा रहा हूं, लेकिन मेरा हेलीकॉप्टर छोटा है, जबकि प्रियंका को केवल यहां तक ही जाना है, फिर भी उनकी सवारी बड़ी है। क्या कहा राहुल ने, आइए सुनते हैं। Let me tell you what it means to be a good brother, okay? What it means is that I'm doing these massive long flights. One second. I'm doing these massive long flights. And I'm going in a little helicopter like that, squeezed up, and my sister is doing short flights, and she's going in a big helicopter. Okay, but I love her. इस दौरान दोनों ही भाई बहन ने एयरपोर्ट पर एक अच्छा वक्त गुजारा। वहीं एक और वीडियो भी कांग्रेस ने अपने चैनल से शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी नासिक एयरपोर्ट पर प्लेन के टेक ऑफ होने में देरी होने पर एयरपोर्ट के मैकेनिकल स्टाफ से मिले। यहां उन्होंने कर्मचारियों से काफी देर तक बातचीत भी की। और ये इसमें क्या फर्क है? नहीं सर, सेम है सर। ये दुबई में बनी है क्या? हाँ सर, इसको सीएफटी बोलते सर, क्रैश फायर टेंडर। ये सर रनिंग में भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट चल रहा है, आग लगी है तो हम रनिंग में भी कर सकते हैं सर। कितने लोगों की टीम है आपकी यहाँ? सर यहाँ पर अब अभी 4 सीएफटी है और 15 आदमी सर। हमारा वहाँ पे डिले हो गया जी सर, हमारे पायलट जो है वो हमारे सिक्योरिटी वालों से लड़ गए। यस चलो, हमारा सौभाग्य सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बड़ा सौभाग्य सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। नासिक एयरपोर्ट पर भी राहुल गांधी ने पूरे स्टाफ के साथ मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इन दोनों ही तस्वीरों को देखने से एक बात तो साफ होती है कि राजनीति में जहां एक ओर सभी नेता व्यस्त होने का दिखावा करते हैं, वहीं यदि वह चाहें तो अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल दूसरों के लिए भी निकाल सकते हैं। राजनीति में शायद आज ऐसे ही नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत है। टैलेंटेड इंडिया की पेशकश। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।